तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो काफी सारे रूमर्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि आपके जो एग्जाम है पोस्टपोन होने वाले, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने एडमिट कार्ड इशू नहीं किया है। एग्जाम में 20 दिन भी नहीं है पूरे, और अभी तक एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट में पेपर भरे हैं, क्योंकि उनके वहां पे ट्रेवलिंग इश्यूज होते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे स्टेट में भर रखे हैं जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जाम पोस्टपोनमेंट के ऊपर अगर मैं बोलूं तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, क्योंकि होने भी नहीं चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है, अब एग्जाम हो जाने चाहिए। ठीक है, सेकंड इशू, एडमिट कार्ड क्यों नहीं रिलीज कर रहे इंस्टीट्यूट? मेरे हिसाब से इस आने वाले वीक में इंस्टीट्यूट को रिलीज कर देने चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिनको एकोमोडेशन देखना है अपना। अगर दूसरी सिटी में उन्होंने भरा है तो ऑब्वियसली वो जब ही अपना जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा उसके बाद ही वो अपना वहाँ पे शिफ्ट हो पाएंगे। ऑन द स्पॉट चीजें नहीं होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से कि प्लीज आप लोग एडमिट कार्ड थोड़ा जल्दी इशू कर दो। हर चीज में देरी यार अच्छी बात नहीं है। अब एग्जाम में 20 दिन भी नहीं है, बच्चे को अपना आने जाने का भी देखना है, कहाँ पे वो, मान लो अगर वो एग्जाम के डेज में स्टे करना चाहता है तो पीजी कहाँ पे लेगा, क्या चीजें, वो भी चीज उसे देखनी है। तो बच्चे को अपने अरेंजमेंट्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको दो। क्योंकि अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट ने तो पहले बोला था कि आप अपनी जगह पे भरना, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि एग्जाम सेंटर यहाँ आसपास ना पड़ के बहुत दूर पड़ेगा, तो वो रोज रोज उतनी दूर की ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों ने, जो मान लो जैसे काफी सारे बच्चे लोग दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, तो उन लोगों ने दिल्ली भर दिया होगा कि हमें पता है वहां पे रह चुके हैं तो कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो उन्होंने वहां पे पीजी लेके रह लेंगे। इस तरह की चीजें सोच के बच्चे एग्जाम सेंटर भरते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईज हो जाएगा कि आप लोग अगर पहले एडमिट कार्ड निकाल दोगे, और आप वैसे भी निकल जाने चाहिए क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने भी निकाल दिया, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी निकाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट अलग अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों के मतलब वर्किंग में डिफरेंस तो है, हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, उनके भी देखो 20 दिन बाद एग्जाम है, हमारे भी 20 दिन ही है लगभग, कम हो देखा है तो कम ही है, तो अब उसके हिसाब से एडमिट कार्ड इशू हो जाने चाहिए। बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने बाकी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अब जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बात मानते होंगे, तो प्लीज आप लोग अपना जो रिवीजन दिया है प्रॉपर तरह से फॉलो करो, अच्छे से रिवाइज करो। इस टाइम पे आप अपना रिवीजन पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनमेंट। मैं इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ और ना ही मैं बनाऊंगा पोस्टपोनमेंट को लेकर। मैं नहीं चाहता हूँ एग्जाम पोस्टपोन हो, मैं यही चाहता हूँ कि एग्जाम ऑन टी शेड्यूल डेट हो। रीजन, काफी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो नहीं आगे और पोस्टपोन होकर कर सकते। अगर अब पोस्टपोन हुए एग्जाम तो अब बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, बच्चों से पढ़ाई नहीं होगी और बच्चों का अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। बड़े मुश्किल से उन लोगों ने ट्रैक बना के अपना पढ़ाई शुरू की थी, अब अगर तीसरी बार पोस्टपोन होंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है इंस्टीट्यूट से, प्लीज जो आपकी डेट्स हैं अपनी उसी डेट पर आप अपने एग्जाम कंडक्ट करा देना। एंड यस, आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग नए चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज लाइक करना, कमेंट करना आप लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करें या मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड ग्रुप्स में। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।